मित्रों नमस्कार। अगर आपका पैसा एनपीएस में है, यानी नेशनल पेंशन स्कीम, जिसको न्यू पेंशन स्कीम कहते हैं, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ भी, जहां एनपीएस लागू है और ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर बहुत ज़्यादा प्रदर्शन और विरोध हो रहा है, तो जिन लोगों के एनपीएस में पैसा है उनको पैनी ड्रॉप करना अनिवार्य है। पैनी ड्रॉप का क्या मतलब होता है कि अगर आपने एक खाता खोला एनपीएस का और उसमें जो आपने डॉक्यूमेंट बैंक में जमा किए और जो जो डॉक्यूमेंट आपने पेंशन फंड है जहां से आपका पेंशन मिलेगी आपको, वो बेसिकली जो पेंशन कोष नियामक और एवं विकास प्राधिकरण है पीएफआरडीए, और इसमें जो आपकी नेशनल पेंशन प्रणाली है उसके तहत ये जो मामला है ये पूरा आपका पीएफआरडीए सारा इसको देखेगा। तो इस मामले को लेकर हालांकि भी बहुत विवाद चल रहा है कि ओपीएस लागू होनी चाहिए यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए या न्यू पेंशन स्कीम में क्या सुधार होना चाहिए, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। वैसे मैंने कल ही इस पर एक पूरी जानकारी दी है आपको कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी आंध्र प्रदेश के स्टाइल में 50% एनपीएस देने को तैयार हो गई, गारंटी देने को तैयार हुई। तो पहले मैं आपको पैनी ड्रॉप के बारे में बताता हूँ। ये जो पैनी ड्रॉप है, जिनके आपने जो डॉक्यूमेंट पीएफआरडीए में जमा किए हैं थ्रू अपने डिपार्टमेंट और जो आपने बैंक में जमा किए हैं उनको मैच किया जाएगा और पीएफआरडीए आपके अकाउंट से एक रुपया भेजेगी बैंक को और आपके अकाउंट में जो आपका नेशनल पेंशन स्कीम का अकाउंट है उसमें, कि क्या वो क्रेडिट हुआ। अगर क्रेडिट हुआ, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, आपके कागजात सही हैं, तो डॉक्यूमेंट सही इसमें ड्रॉप होगा। अगर डॉक्यूमेंट आपके सही नहीं है, कुछ चूक में हो गई है, तो वो पैसा आपके बैंक में नहीं जाएगा। तो फिर आपको दोबारा कहा जाएगा, भाई अपना बैंक आप चेक करिए, अपने अकाउंट चेक करो, एनपीएस से उसे मेल कराओ और फिर उसमें एक रुपये डाला जाएगा और फिर कन्फर्म किया जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी स्कीम जो पीएफआरडीए ने निकाली है, कि ताकि बाद में क्या होता है कि जब आप पैसा लेने जाते हैं पेंशन का पैसा, तो तब दिक्कत होती है, तब आपके नाम मैच नहीं करता, कभी आपके अकाउंट मैच नहीं करता, कभी आपके स्पेलिंग मैच नहीं करते, कभी आपका एड्रेस मैच नहीं करता, तो उसके कारण फिर धक्के खाने पड़ते हैं। फिर आप यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इस डिपार्टमेंट में उस डिपार्टमेंट में, जहाँ से आप रिटायर हो जाते हैं वो डिपार्टमेंट फिर आपको इस तरह भाव देता नहीं है, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए जो ये सरकार है, पीएफआरडीए है जो प्राधिकरण है, उसने ये स्टेप उठाया है कि पैनी ड्रॉप के जरिए, ये पैनी ड्रॉप अनिवार्य होगा, यानी ये करना ही करना है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जो कर्मचारी जिनका, जैसे राजस्थान और छत्तीसगढ़ और आपका हिमाचल, इन राज्यों में ओपीएस लागू हो चुका है, तो ये कोशिश कर रहे हैं कर्मचारी कि इनका पैसा जो एनपीएस में इनका कंट्रीब्यूशन है, यानी 10% बेसिक सैलरी का जमा है प्लस 14% सरकार का जो हिस्सा है, और जब वो उन्होंने इसको शेयर मार्केट में लगाया हुआ है वहाँ से जो रिटर्न आया है, ये जो पैसा है इसको विड्रॉ करना है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी है, लेकिन जब आप इसे विड्रॉ करेंगे और आपके स्टेट गवर्नमेंट के खाते में डालेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जहाँ से आपको ओल्ड पेंशन मिलेगी, अभी आपको न्यू पेंशन स्कीम मिल रही है, जब ओल्ड पेंशन मिलेगी तो ये पैसा आपके पास वहाँ जाएगा। अगर ये पैसा नहीं जाएगा तो फिर स्टेट गवर्नमेंट आपको ओपीएस जो देगी वो आज से, जैसे सपोज़ कि राजस्थान में अभी 5-6 महीने पहले लागू हुआ या छत्तीसगढ़ में कुछ महीने पहले लागू हुआ, तो जिस दिन से आपका पैसा मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट आपका ओपीएस का खाता खोलेगी उस दिन से आपको ओपीएस मिलेगा, यानी आपकी पेंशन उस दिन से मिलेगी। अगर जैसे मान लीजिए आपकी सर्विस 10 साल हो गई है, 2004 से जो लोग भर्ती होंगे उनकी सर्विस तो लगभग 15-16 साल हो गई है, उससे ज़्यादा, तो उनका 15-16 साल का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा, पीएफआरडीए के पास रहेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, सरकार से रिक्वेस्ट कर रही है, और अपन जो एम्प्लॉय हैं उनको भी कह रही है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखो कि आप एनपीएस का पैसा यहाँ लाओ, तो ताकि आपकी जिस दिन से आपका एनपीएस कटा है उस दिन से आपको ओपीएस मिले। तो ये एक टेक्निकल मामला है जो फंस रहा है, और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए तैयार नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये पैसा नहीं देंगे क्योंकि ये एनपीएस में जमा है, तो ये पैसा आपको तभी मिलेगा जब आप 60 साल के हो जाएंगे, यानी 60 साल के बाद आपको पेंशन के रूप में एनपीएस से जो अमाउंट है वो मिलेगा, और ओपीएस फिर आपकी जिस दिन से ओपीएस लागू हुई है
उस दिन से मिलेगा, तो आपका ओपीएस का जो अमाउंट है वो कम हो सकता है और फिर एनपीएस का भी कम रहेगा नेचुरली, क्योंकि पैसे में पैसा जमा कम हुआ है। तो दोनों को मिला के फिर आपको अलग अलग दो पेंशन मिलेगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगी पीएफआरडीए से और एक आपको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी। तो इसके लिए भी आप अपना जो पैनी ड्रॉप जो योजना है उसको आप इसको जो है मिलान कर दीजिए। इसमें नाम का मिलान होगा, निकास का मिलान होगा, निकासी आवेदनों का मिलान होगा, और इसमें जो आपका बैंक नंबर है और इसमें एक प्रान होता है, जैसे आपका पैन नंबर है ऐसे एक प्रान नंबर है जिसको बोलते हैं स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या, यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर प्रान। तो पैनी ड्रॉप को प्रान से आप जोड़ दीजिए तो आपकी प्रॉब्लम जो रिटायरमेंट के समय आएगी वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और इसमें वो लोग भी जिन्होंने जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, जो प्राइवेट कंपनी में कर्मचारी है या जो इंडिविजुअल है वो भी एनपीएस में भाग ले सकता है, उसका स्कीम में शामिल हो सकता है। तो वो लोग भी एनपीएस में शामिल हैं, और अटल बिहारी जो अटल पेंशन योजना है वो भी, और एक एनपीएस लाइट स्कीम है, इनको भी जो उनका पैनी ड्रॉप स्कीम है उसमें शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर उसमें शामिल नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम बाद में आ सकती है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है उनका तो हो सकता है कि डिपार्टमेंट वाइज करेक्ट हो जाए, लेकिन जो अटल पेंशन योजना में तो बाहर के लोग हैं, गरीब लोग हैं जिनको सरकार ने 333 रुपये में पेंशन दी है, उनको पैसा कटता है और फिर उसको पेंशन में वो कन्वर्ट होगा। तो इसलिए खाते का वेरिफिकेशन करना जरूरी है, ट्रांसफ़र के लिए ज़रूरी होगा। तो ये आप, अब बात होती है कि ओपीएस लागू हो गया या एनपीएस, इस पर मैंने कल एक बहुत डिटेल एक वीडियो बनाया, आज मैं उसका ब्रीफ आपको बता देता हूँ कि आंध्र प्रदेश सरकार ने जो लास्ट बेसिक सैलरी है उसका बेसिक सैलरी का 50% आपको पेंशन मिलेगी, पेंशन की गारंटी देगी। उसमें क्या होगा कि 10% आपका है, 14% स्टेट गवर्नमेंट का है, बाकी मार्केट शेयर का होगा, और ये सब मिलाकर जो आपका अमाउंट बनता है, मान लिया कि 35% 40% बन जाए या 20% बन जाए, तो जो भी अमाउंट होगा उसको 50% गारंटी के साथ स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो ये एक अच्छा डिसीज़न आंध्र प्रदेश सरकार का है कि ओपीएस का जो लोड है वो अकेला स्टेट गवर्नमेंट पर नहीं पड़ेगा, और जो उनके स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है उनको भी 50% जो ओपीएस में मिलता था वो उनको भी मिलेगा, पर उनका अपने हिस्सा, उनको 10% अपनी तनख्वाह से देना पड़ेगा, बस इतना ही फर्क। और इसी बात को लेकर तमाम जगह से जो देश भर में आंदोलन चल रहा है कि ओपीएस लागू होना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कमेटी है उसने भी तय किया है कि वो भी 50% की गारंटी देगी, क्योंकि 2024 का चुनाव है और आपको पता है कि जब चुनाव होते हैं तो किसी भी सरकार को लगता है कि चुनाव जीतना ज़रूरी है। तो इसलिए ये ऐसा लगता है मुझे कि ये सरकार जल्दी ही इस बारे में डिसीजन लेगी और 50% की आपको गारंटी देगी, यानी जो आपका लास्ट बेसिक पे होगा उसका 50% आपको पेंशन मिलेगी, पेंशन की गारंटी मिलेगी, यानी जो 10% आपका 14% गवर्नमेंट का मार्केट शेयर का जो हिस्सा आएगा वो जो भी अमाउंट होगा उसका टॉप अप सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और आपको 50% मिलेगा। और इसके बाद एक इसमें इशू आ रहा है कि डीए मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो हर 6 महीने बाद मिलता है, तो वो उस पर डिसीजन होना बाकी है, अभी मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो जब कमेटी की रिपोर्ट फाइनल होगी, पब्लिक होगी, तो मैं तुरंत आपको बताऊँगा। लेकिन अभी तक ये क्या अच्छी खबर है, जो ओपीएस की जगह अभी जो एनपीएस मिल रहा था और उसमें आपका पता नहीं चला था, क्योंकि एक व्यक्ति ने मुझे कमेंट किया था कि उनको केवल 6% ही रिटर्न मिला है, तो ये भी एक थोड़ा सा डर का माहौल है कि 6% अगर रिटर्न मिलेगा तो कैसे, इन पेंशन तो बहुत कम होगी, तो अब ये पेंशन ज़्यादा होगी क्योंकि 50% की गारंटी होगी। तो मित्रों, मैं आपको और भी जानकारी देता रहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी कम्युनिटी का भी हिस्सा बनिए, मैं कम्युनिटी अपना बना लूँ और आप सबकी मदद से मेरी भी कम्युनिटी खड़ी हो जाएगी, और मेरा जो इंस्टाग्राम है उस पर भी आप लोग फॉलो कीजिए और मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।